आज पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद दिन है। भारत माता के सच्चे सपूत रतन टाटा जी आज हमारे समक्ष नहीं रहे। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है हर नौजवान के लिए, हर भारतीय के लिए। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी रिस्क लेने की क्षमता, उनका एक अटल संकल्प, और जहां लोग डरते थे निवेश करने के लिए, वहीं रतन टाटा जी आगे बढ़ के निवेश करते थे। उनकी पूर्ण जिंदगी भारत का परचम, केवल टाटा समूह का परचम नहीं लेकिन भारत का परचम लहराने में लगा। चाहे टेटली का एक्विजिशन हो इंग्लैंड में, चाहे टाटा स्टील का एक्विजिशन हो कोरस का, चाहे जैगुअर लैंड रोवर का एक्विजिशन हो, चाहे भारत के अंदर आम आदमी के लिए सबसे सस्ती गाड़ी नैनो का उत्पादन का विषय हो, रतन टाटा जी के लिए सदैव उपभोक्ता प्रथम पंक्ति में था, मुनाफा अंत का लक्ष्य था। और यही एक अनुभव एक एक व्यक्ति का उनके साथ रहा है। केवल एक बड़े बिजनेस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति नहीं, लेकिन एक कोमल हृदय के, जानवरों के लिए उनका प्यार, मानवीय सोच और विचारधारा, अपने साथ कर्मचारियों के प्रति उनका समर्पण, ये सारे असूल, ये सारे सिद्धांत, ये सारे मूल्य अनुसरण करने के लिए हम सब के लिए वो प्रेरणा देते हुए गए हैं। मेरा स्वयं उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रहा है। पहली बार 10 साल की उम्र में मेरे पूज्य पिताजी के साथ मुंबई में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, और टाटा समूह और टाटा परिवार का रिश्ता सिंधिया परिवार के साथ पीढ़ियों पुराना है। सर जमशेद जी टाटा जब टाटा स्टील बना रहे थे, उस समय मेरे पूज्य पिताजी के दादा माधव महाराज प्रथम ने उन्हें योगदान, मदद और राशि के आधार पर दी थी। उसी के साथ साथ उनके पुत्र जेआरडी टाटा, जब उन्होंने एयर इंडिया की शुरुआत की आजादी के पहले 1942 में, तब मेरे दादा जीवाजीराव महाराज ने उनके साथ मिलकर ग्वालियर को उस मानचित्र पर डाला। मेरे पूज्य पिताजी का भी उनके साथ एक निकटता का संबंध था, और 40 साल का मेरा संबंध उनके साथ, जब मैं पहली बार हार्वर्ड से वापस आया था बैंकर के रूप में, उनके साथ कई बार मेरी मुलाकात हुई।